अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए कौन कौन सी कंपनी यहाँ पर विजिट करती है, उन सारे चीजों को हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपका, हम चलते हैं अब फोर पिलर की ओर। ये देखिए सामने फोर पिलर आपको दिख रहा है, ये देख सकते हो आप, ये कैंपस का सबसे मेन गेट है जिसके अंदर हमारा सब कुछ लैब हो गया, क्लासेस हो गया, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर एक साइड इधर पूरा आपको आर्यभट्टा सेंट्रल लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है ये आपका P1 ग्राउंड है, ठीक है, इसके अंदर क्रिकेट मैच वगैरह, क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह जो भी होता है सब इसी के अंदर होता है। चिकन पेटिस है, चिली चिकन है, चिकन सैंडविच है, चिकन रोल है। करेंट का बच्चा जो फर्स्ट ईयर का बच्चा लोग है वो इसमें रहता है, P5 हॉस्टल है, ठीक है। जिमनेशियम एंड रिक्रिएशन सिस्टम के सेंटर के अंदर आपको जिम देखने को मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पूरे हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का कैंपस टूर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मेन गेट, यहाँ मेन गेट से हम लोग एंट्री करेंगे एंड देन फिर उसके बाद हम लोग बारी बारी से सारी चीज़ों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड के ऊपर आपको सारा जो भी कोर्सेस अवेलेबल है सारा कोर्सेज के बारे में बताया गया है। जैसे बीटेक के अंदर आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और साथ में साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, ECE आपका, और उसके बाद फिर IT सेक्टर, फूड टेक्नोलॉजी, ये सारा ब्रांचेस के बारे में यहाँ पर दिया गया है कौन कौन सा ब्रांच अवेलेबल है। उसी तरीके से यहाँ पर आप MTech कोर्स के अंदर भी देख सकते हो, MTech कोर्स के बारे में भी सब कुछ दिया गया है और साथ ही साथ PG कोर्सेज के बारे में दिया गया है, ठीक है। अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए कौन कौन सी कंपनीज यहाँ पर विजिट करती है, उन सारे चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हो कि आपका ये कुछ कुछ कंपनी जो है वो सारा विजिट करता है। इस पर थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, आप लोग आराम से देख सकते हो इसको। एंड जो कॉलेज है, कॉलेज आपको देखने को दिख रहा होगा, NAC अक्रेडिटेड कॉलेज है, NAC A से ग्रेड A से ये अक्रेडिटेड है एंड NBA अक्रेडिटेशन भी इसको मिला हुआ है, साथ ही साथ AICT से अप्रूव्ड है और उसके बाद ये मकाउट से एफिलिएटेड है। मतलब कि आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ से, जो 4 साल के कोर्स के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको मकाउट से मिलेगा, ना कि आपको हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से मिलेगा। मकाउट एक गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि वेस्ट बंगाल का जितना भी कॉलेज है लगभग वो मकागे। और सबसे पहले कॉलेज का जो सबसे मेन व्यू है उस व्यू को हम लोग देखेंगे यहाँ से। तो ये आपका, हम चलते हैं अब फोर पिलर की ओर। ये देखिए सामने फोर पिलर आपको दिख रहा है। ये आप देख सकते हो कॉलेज के चारों तरफ एकदम मतलब आप फील कर सकते हो कि ग्रीनी ग्रीनी, मतलब पूरा हरियाली टाइप्स है, ठीक है। आप बरसात के मौसम में इसका मज़ा भी ले सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो चारों तरफ उसी टाइप का हरियाली है, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो यही सब कॉलेज का सबसे मेन चीज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हो अब हम लोग फोर पिलर के पास पहुँच चुके हैं। तो ये फोर पिलर जो है वो काफ़ी एडवेंचरस चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि आप लोग जितना भी रिव्यू वीडियो देखते होगे तो आपको यहाँ पर ये फोर पिलर देखने को मिलता होगा, ठीक है। तो ये फोर पिलर है आपका और यहाँ पर से ये मेन गेट है। ये देख सकते हो आप, ये कैंपस का सबसे मेन गेट है जिसके अंदर हमारा सब कुछ लैब हो गया, क्लासेस हो गया, सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर भी हम लोग जा कर के देखेंगे, ठीक है। अभी हम कॉलेज के जो चारों तरफ का जो चीज़ है उस चीज़ को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो अब इधर से हम लोग चलते हैं आगे कॉलेज की तरफ, ठीक है। कॉलेज का जो लाइब्रेरी वगैरह अवेलेबल है उस चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर एक साइड इधर पूरा आपको आर्यभट्टा सेंट्रल लाइब्रेरी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये जो लाइब्रेरी है इसके अंदर आपको 20 मतलब जो कॉलेज टाइम होता है आपका सुबह 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये पूरा ओपन होता है। इसके अंदर आपको जितना भी कोर्सेस है उसके सारे जो रेफरेंस बुक है सारा अवेलेबल होता है। आप जा करके आप कार्ड के थ्रू आप उसको इशू करा सकते हो। और दूसरी साइड आप देख सकते हो इधर आपका ये जो है ये सेकेंड गेट है, ठीक है। हम लोग जो पहले एंट्री लिए थे वो फर्स्ट गेट था और ये जो है आपका वो सेकेंड गेट है,
ठीक है। अब इधर हम लोग चलते हैं लाइब्रेरी से थोड़ा आगे, आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो ये जो लाइब्रेरी का जो ये रास्ता इस तरीके से जाता है, इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हो यहाँ पर एनएक्स बिल्डिंग है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चों का जो क्लासेस है वो इस वाले बिल्डिंग में भी चलता है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो भी मतलब कुछ कुछ क्लासेस आपके यहाँ पर भी अवेलेबल्स हैं, ठीक है। एंड देन फिर आपका जो ये वाला वे है, ये वे आपका चला जाता है इधर, पूरा बॉयज़ हॉस्टल्स अवेलेबल है, और साथ ही साथ फिर बॉयज़ हॉस्टल्स के अलावा उधर जिम्स वगैरह भी अवेलेबल हैं। तो चलते हैं अब हम लोग उधर। तो ये जो है ये आपका P1 ग्राउंड है, ठीक है। इसके अंदर क्रिकेट मैच वगैरह, क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह जो भी होता है सब इसी के अंदर होता है। अभी थोड़ा बरसात के कारण थोड़ा घास वगैरह बड़ा हो गया है, ठीक है। लेकिन जब आपका टूर्नामेंट्स वगैरह का सीज़न होता है तो ये काफ़ी इसका मतलब इसका अच्छा से मतलब कटिंग वगैरह किया जाता है, फील्ड को बनाया जाता है ताकि अच्छे से टूर्नामेंट वगैरह हो सके। आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्रिकेट जैसा जो भी क्रिकेट लवर हो, ठीक है, तो उसके लिए भी बेस्ट कॉलेज है कि तुम अंदर में भी आकर के क्रिकेट अपना खेल सकते हो। तो अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट। आपका सारा अलग अलग मतलब हॉस्टल का अलग अलग ग्राउंड है, जैसे कि आप देख लो वहाँ सामने पूरा वो P1 हॉस्टल है, जिसके अंदर अभी आपको जो थर्ड ईयर के भैया लोग हैं वो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर वो लोग रहते हैं। नेक्स्ट ईयर वही फोर्थ ईयर वाले भैया लोग का वो हॉस्टल हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ये सामने जो हॉस्टल्स दिख रहा है, ये जो हॉस्टल है ये आपका P2 हॉस्टल है। ये सामने देख रहे हैं आप, ये P2 हॉस्टल है। और P2 हॉस्टल का जो ग्राउंड है वो ग्राउंड आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकर के चलते हैं आपको P2 हॉस्टल के सामने एंड P2 ग्राउंड के सामने। यहाँ पर देखो ये जो तीन मतलब थ्री वे जाता है, एक तो आपका इधर चला जाएगा जो कि गर्ल्स हॉस्टल की तरफ चला जाएगा, एंड दूसरा जो ये वे जो जाएगा ये आपका गनचिल होते हुए ये बॉयज़ हॉस्टल की तरफ ये चला जाएगा। तो आगे बढ़ के देखते हैं, एक गनचिल अंदर कैफेटेरिया है जो कि इधर के जो बॉयज़ हॉस्टल्स हैं उन लोगों के लिए ये ओपन किया गया है, ताकि रात में खाना या फिर बीच में नाश्ता वगैरह के लिए वो यहाँ पर इस कैफेटेरिया में आ सकते हैं। तो अब फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गनचिल कैफेटेरिया के पास, जो कि HIT कैंपस के अंदर है। तो आप चाहो तो अंदर भी देखो, मैं दिखा देता हूं क्या क्या चीज़ अवेलेबल्स है, आपको पता चल जाएगा। तो यहां देख सकते हो क्या क्या अवेलेबल है भैया, यहां पे क्या क्या अवेलेबल है यहां पे, हाँ मतलब क्या क्या चीज़ है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ मिल जाएगा बच्चा लोग को खाने के लिए, बच्चा लोग को हाँ क्या क्या चीज़ है यहाँ। चिकन पेटिस है, चिली चिकन है, अच्छा। चिकन सैंडविच है, चिकन रोल है, अच्छा। तो और खाना के लिए क्या क्या मिल जाएगा, पीने में दे पेप्सी मिल जाएगा, सलाद मिल जाएगा, माउंटेन ड्यू मिल जाएगा, मिरिंडा मिल जाएगा, चाय कॉफी सेवन अप चाय कॉफी मिल जाएगा। अच्छा, खाना के लिए भी कुछ यहाँ पर व्यवस्था है या नहीं है? खाना है, खाना भी है। हाँ, तो कितने टाइम खाना यहाँ पर अवेलेबल होता है? जैसे 11:30 से 11:30 बजे, और उसके बाद रात में, रात को 7:30 बजे से 7:30 बजे। हाँ, अच्छा, मतलब दो टाइम यहाँ पर खाना भी मिल जाएगा, फिर 3 बजे से समोसा मिल जाता है। मोस्टली यहाँ पर कहाँ के बच्चे आते हैं, मतलब कौन से हॉस्टल के बच्चे आते हैं यहाँ पर? P1 P2 P5 P4 से। अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल से भी बच्चे आते हैं क्या? हाँ आते हैं। अच्छा, गर्ल्स हॉस्टल से भी बच्चे आते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आपको मेस जैसी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कैफेटेरिया के साथ साथ मेस भी है। तो अब यहाँ पर देख लो, गनचिल के जस्ट सामने यहाँ पर P2 हॉस्टल है, ठीक है, जिसके अंदर अभी करेंट फोर्थ ईयर भैया लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर आप देख सकते हो, ठीक है, इधर हम लोग आ जाते हैं P2 के जस्ट बगल में, यहाँ P1 हॉस्टल है, ठीक है, और P1 हॉस्टल में थर्ड ईयर के भैया लोग रहते हैं, ठीक है। ये है जो कि आपका P1 हॉस्टल, और साथ ही साथ इसके अंदर भी आप आकर के देख सकते हो, जो कि अभी करेंट का फर्स्ट ईयर का जो बच्चा लोग है, ठीक है, करेंट का बच्चा जो फर्स्ट ईयर का बच्चा लोग है वो इसमें रहता है, P5 हॉस्टल है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कॉलेज के अंदर जैसे आपका कोई प्रोग्राम होता है, ठीक है, और प्रोग्राम का जैसे प्रैक्टिस वगैरह करना होता है, ठीक है, जैसे डांस हो गया आपका, सिंगिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, इन सारे चीज़ों का प्रैक्टिस जो करना होता है, तो उस चीज़ के लिए ये आनंदम है,
यहाँ पर देख सकते हो ये इसके ऊपर एक हॉल है, ठीक है। उसके अंदर आपका प्रैक्टिस वगैरह होता है, जैसे किसी भी चीज़ का कोई भी फंक्शन जो होता है उसके लिए लोग परमिशन लेकर के यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। और ये आपको सामने दिख रहा है P5 का हॉस्टल है, ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट लोग अभी यहाँ पर रह रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर यही हॉस्टल जो है वो सेकेंड ईयर का हो जाएगा। तो ये है P5 हॉस्टल, आप देख सकते हो अंदर बहुत बड़ा बिल्डिंग है, ठीक है। हम लोग गेट पर से बस देख रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर फॉरेन हॉस्टल के सामने, जो कि बॉयज़ का फॉरेन हॉस्टल है। इसके अंदर वैसे स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट किया जाता है जो कि बच्चे फॉरेन से आए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपका इंडिया से बाहर, जैसे बांग्लादेश के कुछ बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो उन लोगों को यहाँ पर ये हॉस्टल अलॉट किया जाता है। इस हॉस्टल का नाम है P3 हॉस्टल, ठीक है, APC रॉय हॉल ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। और इस हॉस्टल के जस्ट सामने आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है ये आपका फुटबॉल ग्राउंड है, इसको P2 ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आइए हम आपको आराम से पूरा अच्छा सा ग्राउंड दिखाते हैं। तो ये है आपका पूरा P2 ग्राउंड, देख सकते हो कितना बड़ा ग्राउंड है, जो कि फुटबॉल ग्राउंड के नाम, इसमें फुटबॉल की मैचेज होती है, ठीक है। पर जगह जगह पर देखो यहाँ पर लगा हुआ है स्पीड लिमिट, नो स्मोकिंग, कहने का मतलब ये है जो कि कैंपस जो है स्मोकिंग फ्री कैंपस है। और आप गाड़ी लेकर के अंदर घुस सकते हो, लेकिन वही है कि आपको स्पीड लिमिट मेंटेन करना होगा, 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए आपका गाड़ी का, क्योंकि थोड़ा सा रश एरिया है, ठीक है। और यहाँ देख सकते हो आप सामने में जगदीश चंद इनोवेशन रिसर्च सेंटर, ठीक है, AICT आइडिया लैब जो है वो आपको यहाँ पर सामने में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये है आपका AICT आइडिया लैब। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर, देखिए जिमनेशियम एंड रिक्रिएशन सेंटर। जिमनेशियम एंड रिक्रिएशन सिस्टम के सेंटर के अंदर आपको जिम देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ एक नीड्स नाम का आपको कैफेटेरिया भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो अब चलते हैं अंदर। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सामने में कैफेटेरिया आपको देखने को मिल जाएगा, ये है कैफेटेरिया। और उसके बाद फिर आपको इधर जो है, इधर आपको बॉयज़ जिम देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखो ये बॉयज़ जिम है, ठीक है। इसके अंदर ये सामने ओपन होता है, हर ईयर के लिए अलग अलग टाइमिंग होता है, वहाँ पर जा कर के आप अपने जिम, जो बच्चे करते हो जिम, उन लोगों के लिए जिम भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारा यहाँ पर देखो प्राइज वगैरह, ट्रॉफी वगैरह यहाँ पर रखा गया है, जो कि यहाँ के लोग विन करके लाए हैं, ठीक है, तो उन लोगों का रखा गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हो जितना भी आपको पुरस्कार वगैरह सब कुछ मिला है, उन सारे चीज़ों का यहाँ पर फोटो लगा हुआ है, जो भी आपका फंक्शंस वगैरह हुआ है उसका। इस साइड हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर गर्ल्स लोगों के लिए जिम है, उस साइड बॉयज़ जिम था और यहाँ पर गर्ल्स जिम है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक कॉमन रूम आपको देखने को मिल रहा है सामने में, ठीक है। और इसके अगर ऊपर हम लोग जाते हैं तो इसके ऊपर आपको कुछ और चीज़ें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका बॉयज़ योगा सेंटर, ये बॉयज़ के लिए है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर आपको गर्ल्स योगा सेंटर है, जो बच्चे जिम्स को जिम करते हैं उन लोगों के लिए जिम भी अवेलेबल है, साथ ही साथ जो लोग योगा करते हैं उनके लिए योगा सेंटर भी अवेलेबल है। इवनिंग में ये ओपन रहता है, आप आ करके यहाँ पर अपना योगा वगैरह कर सकते हो मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पीछे बास्केटबॉल कोर्ट है, ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट है, जो भी बच्चे बास्केटबॉल प्ले करते हो उन लोगों के लिए यहाँ पर देख सकते हो इवनिंग में आकर के आप यहाँ पर खेल सकते हो बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक गेम आपका अवेलेबल है, अभी तक हम 3 गेम आपको एकदम काउंट करवा दिए हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ से देखिए घूमते हुए हम लोग पूरा राउंड लेकर के हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से 2 वे है, एक तो आप इधर जा सकते हो, दूसरा आपका यहाँ से डायरेक्ट मेन गेट आपको दिख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आते हैं तो देखो सबसे पहला जो बोर्ड है ये देखो क्या लगा हुआ है, व्हाट इज रैगिंग, ठीक है। यहाँ पर रैगिंग जो है वो आपका वैन है पूरे तरीके से, ज्वाइन हैंड्स टू मेक योर कैंपस रैगिंग फ्री,
सेट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट बिहेवियर, ठीक है। टोल फ्री नंबर वगैरह सब कुछ दिया गया है। ए स्टूडेंट इंक्लूडिंग रैगिंग कैन बी, देखो क्या क्या चीज़ इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है, रैगिंग के अंदर वो सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। और उसके बाद फिर हम लोग देख सकते हैं इधर, यहाँ जो इस साइड जो भी चीज़ अवेलेबल है, जैसे कि वर्कशॉप्स इधर अवेलेबल है। उसके बाद फिर आपको देखिए बतांगनी ऑफ रेसिडेंस, जो कि थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर्स का गर्ल्स हॉस्टल है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जस्ट सामने में, ठीक है। अभी हम लोग वहाँ पर लेकर के चलेंगे। फिर टीपीएस हॉस्टल है आपको तमालिका पौंडा सेट हॉल ऑफ रेसिडेंस, जो कि सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो टीचर्स हॉस्टल्स भी इधर ही अवेलेबल है। बास्केटबॉल कोर्ट उस साइड था जो कि हमने दिखा दिया आपको, ठीक है। फिर न्यूटाउन हॉल ऑफ रेसिडेंस P1 जो है वो उधर ही था, वो मैंने दिखा दिया। P1, P2, P3, P5 सारा मैंने उधर से कवर करके आया है, ठीक है। एंड फिर उधर देख सकते हो आप फैकल्टी हॉस्टल जो कि इसी साइड अवेलेबल है। उसके बाद टीचर्स हॉस्टल वो भी उस साइड अवेलेबल है। CV रमन हॉल ऑफ रेसिडेंस P4 फोर्थ ईयर करेंट फोर्थ ईयर भैया लोगों का जो हॉस्टल है P4 वो भी आपका इसी वे में अवेलेबल है। तो अब चलते हैं बारी बारी से सारे चीज़ों को देखेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मतांगनी हॉल ऑफ रेसिडेंस जो कि थर्ड ईयर फोर्थ ईयर्स दीदी लोगों का हॉस्टल है, ठीक है। इसके अंदर आपको थर्ड ईयर फोर्थ ईयर्स की जो दीदी लोग हैं उन लोगों के लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर 2 बेड सीटर एंड 3 बेड सीटर आपका रूम अवेलेबल है। इसके अंदर जो भी लोग रहते हैं वो या तो एक रूम में 2 लोग या फिर 3 लोग यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद आगे हम लोग चल सकते हैं जो कि TPS हॉस्टल आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग पहुंच चुके हैं तमालिका पांडा सेठ हॉल ऑफ रेसिडेंस के सामने। जैसा कि हम लोग आपको बता दिए कि फर्स्ट एंड सेकंड ईयर गर्ल्स का हॉस्टल है, ठीक है। तो ये हॉस्टल्स आप देख सकते हो सामने से। तो अब आप यहां सामने देख सकते हो फैकल्टी हॉस्टल जो कि यहां पर सामने अवेलेबल है, ठीक है। इसमें जो कॉलेज की जो फैकल्टीज हैं वो उन लोगों के लिए हॉस्टल है अवेलेबल। अब आगे हम लोग चलते हैं जो कि एक और गर्ल्स हॉस्टल्स है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक और यहाँ पर सामने में हॉस्टल है प्रीति लता बॉर्डर हॉल ऑफ रेसिडेंस, जिसको प्रीति लता हॉस्टल के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अंदर भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को अलॉट किया जाता है हॉस्टल्स, ठीक है। तो ये है आपका पूरा प्रीति लता हॉस्टल। और इस साइड आपको P4 हॉस्टल देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं P4 हॉस्टल को भी हम लोग देख लेते हैं पास से। तो यहाँ पर देख सकते हो आप गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट बगल में फैकल्टी क्वार्टर्स दिया गया है, मतलब कि जो भी आपका उधर फैकल्टी हॉस्टल था और साथ में इधर क्वार्टर है, मतलब कुछ फैकल्टी जो फैमिली के साथ रहते हैं, ठीक है, या फिर जिनको उधर हॉस्टल्स नहीं अलॉट होता, जो बैचलर्स नहीं है, उन लोगों के लिए यहाँ पर क्वार्टर्स अवेलेबल है। तो वो लोग इधर रहते हैं, जैसे कि आपका जो कॉलेज के डीन हुए या फिर जो भी कॉलेज के टीचर्स हैं वो सारे इधर रहते हैं। तो ये है आपका P4 हॉस्टल जो कि फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए ये वाला हॉस्टल्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसको हम अंदर से भी दिखा सकते हैं। इसके अंदर आपका वॉलीबॉल कोर्ट जो है इसके अंदर अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वॉलीबॉल कोर्ट जो है वो सामने में अवेलेबल है। तो आप इवनिंग में अगर वॉलीबॉल के अगर प्लेयर्स हो, ठीक है, वॉलीबॉल खेलना पसंद करते हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम आकर के अपना खेल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो।